फोन की नीड नहीं, और 11 भी उसका सही चल रहा है काफी अच्छा, तो मैंने सोचा नहीं यार फोन में नहीं, कैमरा देने में काफी मतलब एडवाइस ली घर वालों से भी। तो भाई इसको करते 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 फिर कार्ड वार्ड स्वैप करा के भाई फुल कैश एट लास्ट ले लिया। चले कैसा रहा, क्या करवाया? मैंने देखो ना मेरा फेस टच करा ना, कितना सॉफ्ट। अरे सच में सॉफ्ट। ये देखिए मालिक में, ये आपका है, ये पूरा का पूरा ऐसे लगेगा। लिखा कौन है भाई? सरप्राइज प्लान कर रहा हूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मासा ट्यूबर मा सा। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल मासा ट्यूबर। तो गाइज आज है शाय का क्या है, आज है बर्थडे ईव। अपनी बेबी को लेके जा रहा हूँ कहाँ पे? ग्लैम फैक्ट्री। तो बिना लेट के पहले चलते हैं ग्लैम फैक्ट्री, बहुत लेट हो रहा है, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। यूजुअल भाई हमेशा मैं टाइम पर होता हूँ, शायद थोड़ा सा लेट करती है भाई, वो लड़की की खासियत है। ना ब्लॉग्स थोड़े देर देर में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक साथ बहुत सारे ब्लॉग्स थे, और बहुत सारे ब्लॉग्स की बात भी नहीं है। हम मनाली चले गए थे यार, मनाली में हम मनाली चले गए, जो एडिटिंग करते हैं वो चले गए, अपनी किसी कोलकाता चले गए। अब ना उनके वहाँ पे नेटवर्क ना मनाली में नेटवर्क, और लोग नीचे कह रहे हैं कि इससे अच्छा ब्लॉग ही मत करो, मत करो। यार हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ऑफिस खोल के रख रखा, हमने यहाँ पे 10-12 बंदों की टीम काम कर रही है भाई। हाँ एडिट करने पड़ते हैं भाई, सब कुछ करना, मेहनत है चीज में, नो डाउट मेहनत है, पर यार शादी के यार तुरंत बाद में 10-12 दिन का अगर हम कहीं घूमने चले जाते हैं तो उसका मतलब थोड़ी ना आप कमेंट में बोलना स्टार्ट होता है अच्छा ब्लॉग ही मत करो, मत करो। यार एक दो बार लेट हो गया कभी आज से पहले शायद, कभी 3 साल में कभी लेट नहीं हुआ, मेरा 1 साल के अंदर लेट नहीं हुआ। अभी शादी के आसपास सेटल करने में टाइम लगता है। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। बाकी तो आप अच्छे तो बहुत हो जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, मुझे 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 थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। चलो बाय बेब्स, ठीक है मैं जल्दी आऊंगा, 1 घंटे के अंदर आते हैं, मिलते हैं ठीक है, दो बार बाय बेब्स। तो भाई शाय को कर दिया है मैंने ड्रॉप ग्लैम फैक्ट्री, और पूरा प्लान ट्रेन शुरू भी आ गया, मैं पहुंच गया हूँ नेहरू प्लेस। और पूरा प्लान ऐसे है कि शाय को मैंने बोला कि मैं ग्लैम फैक्ट्री से ड्रॉप कर दूँ, पर मुझे पर्सनली कुछ काम था कि भाई शाय का बर्थडे है, और रात को मैंने सोचा सरप्राइज केक कटिंग के लिए उसका, बाकी कल पूरी प्रॉपर पार्टी है, पर मैंने सोचा कि नहीं रात को 12 बजे केक कटवाऊंगा, और उसके लिए मैं 2-3 दिन से गिफ्ट ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और गिफ्ट तो फ़ोन है लैपटॉप है, दोनों की ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत तो लैपटॉप की है उसे काफ़ी टाइम से, काफ़ी अच्छे मतलब एडिटिंग लैपटॉप की। और बाकी मेरा मन था फ़ोन देने का आईफोन 12 प्रो, पर अभी रिसेंटली 1 साल हुआ इसको फ़ोन को, और उसको एज सच फ़ोन की नीड नहीं, और 11 भी उसका सही चल रहा है काफ़ी अच्छा, तो मैंने सोचा नहीं यार फ़ोन में नहीं, कैमरा देने में काफ़ी मतलब एडवाइस ली घर वालों से भी और दोस्तों से भी, मतलब ओपिनियन सबका लिया, तो सबने बोला नहीं लैपटॉप देना चाहिए, एक अच्छा लैपटॉप। तो मैं 3 दिन से लगातार लैपटॉप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इन आज मुझे कॉल आया कि आज बर्थडे भाई, मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया मुझे लैपटॉप चाहिए 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 किसी भी हाल में, तो मुझे आज यहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपका लैपटॉप आ गया है, पर मुझे आज किसी भी हाल में लैपटॉप लेना है और शाय को 12 बजे मुझे गिफ्ट देना है। तो ये था मेरा पूरा प्लान, शाय को बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है। मैंने बोला कि मुझे फ्रेंड्स से कुछ काम जाना है, लेने से कुछ छोटा मोटा सामान लेना है, उसे ही नहीं पता कि मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लेने वाला हूँ क्या नहीं लेने वाला हूँ, और शाय को इसकी बहुत ज़रूरत थी यार। हमारे मेमोरी कार्ड्स भर जाते हैं, और गोवा व्लॉग में देखोगे हमारे सारे मेमोरी कार्ड्स भर गए, हमारे पास लैपटॉप नहीं था जिससे हम ट्रांसफ़र कर सकें उस डाटा को किसी चीज़ में, तो इसलिए हमारे पास है ही नहीं लैपटॉप घर पे, एक है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, अटक जाता है सब कुछ, ज़्यादा 6 साल पुराना है, तो इसलिए चलते हैं। फाइनली भाई लैपटॉप तो परचेस कर लिया, पर स्क्रीन कार्ड सोचा सबसे पहले लगवा लूँ कि भाई इसके बाद फिर नेहरू प्लेस नहीं आ जाएगा, और नहीं लगवा पाया, तो हमने सोचा पहले नेहरू प्लेस से ही लगवा लें सस्ते में। आपको लग रहा होगा कि भाई मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे लेने में लैपटॉप, नहीं 2 घंटे लग गए। रीज़न भाई हमारे यहाँ पे काम करने का सिस्टम ही कंपनी को समझ में भाई उल्टा, बहुत ही उल्टा भी बताऊँगा आराम से गाड़ी बैठ के। शाय का फ़ोन आ रहा है, सब मुझे वापस पिक करना है, 1 घंटा लेट हो गया हूँ मैं। हाँ तो भाई प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम जो हुई ये था कि मैंने सोचा कि भाई 25,000 की मैं डाउन पेमेंट कर देता हूँ, ये मैंने सोचा कि भाई 1,10,000 का पड़ रहा है तो
इसको मैं फाइनेंस कर लेता हूँ 25-35 हज़ार डाउन पेमेंट करके, बाकी 25 हज़ार की 3 महीने किस्त बनवा लेता हूँ। तो इसमें आपकी लिमिट आती है 30 हज़ार रुपए की, आपकी लिमिट आती है फाइनेंस कराने की, मतलब आपको 80 हज़ार डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको 30 हज़ार की आपकी किस्त बन जाएगी। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है तीन, कोई नहीं भाई लिमिट पुश कर लूंगा ना, चलो ठीक है भाई 30 हज़ार की किस्त बनवा लेता हूँ। 30 हज़ार की किस्त आपको देनी है 10 महीने में। मैंने कहा भाई मुझे 10 महीने वाली किस्त नहीं चाहिए, मुझे ये खत्म करनी है 3 महीने में ही करनी है। कहता नहीं भैया 10 महीने में होगी, 10 महीने से नीचे का प्लान नहीं है और ये नो कॉस्ट EMI है, मतलब 30 हज़ार के आपको 30 हज़ार ही वापस करने हैं, 10 महीने से डिवाइड कर लो, 3 हज़ार रुपये आपके महीने की किस्त आ गई और आपको 10 महीने देनी है और आपका 1 भी रुपया फालतू नहीं लगेगा। अगर 1 भी रुपया आपका फालतू नहीं लग रहा है तो भाई मैं 3 महीने में दूँ चाहे 10 महीने में दूँ, जब आपको इसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं, मैं पहले आपको देना चाहता हूँ तो इससे प्रॉब्लम क्या है? कहते नहीं भैया ये कंपनी ना कंपनी का ही पॉलिसी है और हम आपको ये 10 महीने ही आपको देना पड़ेगा 30 हज़ार। और ऐसे नहीं, सिविल बेकार है भाई, आईफोन फाइनेंस कराने के लिए मैंने बात की थी तो उस टाइम पे लिमिट जो आईफोन कह रही थी, मतलब 1,40,000 का फोन है तो उसके अंदर 1,20,000 की फुल फाइनेंस हो रहा था, मतलब 1,20,000 रुपये फाइनेंस हो रहा था नो कॉस्ट पे। और यहाँ पे ये लैपटॉप जो है ये कह रहे कि नहीं भैया 80 हज़ार आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और 30 हज़ार आपकी किस्त बन जाएगी 10 महीने की, जो कि 10 महीने तक आपको 3-3 हज़ार करके रगड़नी पड़ेगी। तो भाई इसको करते 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 फिर कार्ड वार्ड स्वैप करा के भाई फुल कैश एट लास्ट ले लिया। पर भाई खुशी इस बात की है कि फाइनली मुझे लैपटॉप मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था। 17 इंच का लैपटॉप है और इसके अंदर 1660 Ti जो है आपका ग्राफिक कार्ड है GTX और आपकी 16 GB रैम है, एक्सपेंडेबल जो होगी वो 32 GB तक आप कर सकते हैं और बाकी 1 TB की SSD इसके अंदर है स्टोरेज। तो ये लैपटॉप मैंने लिया आसूस का ROG G17 एडिटिंग के लिए। इसका आप जो ROG में अगर आप जाते हो HP में ये चीज़ लोगे तो आपको सेम चीज़ का आपको कम से कम 20-25 हज़ार फालतू देने पड़ेंगे। Asus जो है आपका ये काफ़ी अच्छा है एडिटिंग के लिए। इसके G15 भी आती है, G13 वगैरह नीचे सीरीज भी आती है जो कि आपकी 60-70 हज़ार स्टार्ट हो जाती है। और Acer के Nitro 5 ये भी आप प्रीफर कर सकते हो अगर आपको एडिटिंग के लिए चाहिए तो। बाकी मेन जो होता है वो ग्राफिक कार्ड और रैम का ही खेल होता है जो ज़्यादा है। तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ शाही को पिक करने के लिए। भाई बहुत देर हो गई, 2 घंटे 1 घंटे से वो वेट कर रही है ग्लैम फैक्ट्री। उसके आगे का प्लान मैं शाही को ड्रॉप करने के बाद बताऊँ कि मैं क्या करने वाला हूँ आज रात को 12 बजे। अभी 7 बज रहे हैं और मैं ग्लैम फैक्ट्री पहुँच गया हूँ। ग्लैम फैक्ट्री जस्ट इससे एक शॉप पीछे बेसमेंट में, शाही अंदर है और यहीं पे ना पार्टी, वो मैंने सोचा कि शाही को 12 बजे रूम डेकोरेट वगैरह करके अच्छे से केक कटिंग करेंगे और उसको सरप्राइज गिफ्ट करूँगा मैं दूंगा आज। होप करता हूँ उसे पसंद आएगा। बाकी रूम डेकोरेशन का मुझे सामान कुछ लेना था, रोज पेटल्स मैंने मॉर्निंग में ही ले लिए थे जिम जाते हुए, तो अब मुझे बाकी बैलून्स और थोड़ा सा वो जो स्ट्रिंग्स वगैरह लटकी होती हैं हैप्पी बर्थडे का जो भी है वो सब लूँगा और उसे जल्दी से ले लूँ, क्योंकि शायद अगर गाड़ी देख ली तो फिर भाई मैं सामान नहीं ले पाऊंगा, ये सरप्राइज मेरा पूरा खराब हो जाएगा। ये मेरी रोज पेटल्स जो मैंने ले रखी थी, ये लैपटॉप और ये सामान सारा डेकोरेशन का और वो रहा आपका ग्लैम फैक्ट्री। क्यों तो खड़ा था ना तुम्हें लेने के लिए, चलो चलो बैठो 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 चले। कैसा रहा, क्या करवाया? मैंने देखो ना मेरा फेस टच करा ना, कितना सॉफ्ट। अरे सच में सॉफ्ट है, मैं मजाक कर रहा था, सच में सॉफ्ट हो रखा है। मैंने लेट किया ना बेबी? हाँ थोड़ा मैंने लेट किया पर मैं 40 मिनट अभी नहीं। चलो बाय गाइस, बाय बाय। शाही का घर भाई, मैं डर गई। शाही को मैं यहाँ उतार रहा था एक टाइम पे, कितना शाही उतर जा जल्दी भग जा, मैं लेट हो रहा हूँ। पहले मैं यहाँ उतार था, अब अपनी गली के बाहर उतारूंगा क्योंकि आज मैं लेट हो रहा था। मैंने शाही को बोला शाही आप गली के बाहर उतर जा, वहां से आधा किलोमीटर दूर मेरा घर है तो पापा लेने के लिए आ रहे हैं, मेरे पापा शाही को लेने के लिए आ रहे हैं स्कूटी से। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैंने इनको ऑडियंस को अपनी पहले ही बता दिया रीजन क्या है। अच्छा बता भी दिया? बता दिया, बिल्कुल बता दिया। घर मेरा घर और गली कल तो मतलब थोड़ी बड़ी गैदरिंग का मैं फंक्शन किया है, दिन के लिए फाइनली घर जाने वाली हूं, उसके बाद मैं अगले हफ्ते अगले महीने जाऊंगी। बाय बेब्स, घर पे मिलते हैं ठीक है, मैं आ रहा हूं 1 घंटे में, काम जाना ठीक है। पापा गए, पापा खड़े हैं वहां पे और शाही जा रही है, पापा शाही को वहां पिक कर लेंगे। भाई मुझे कुछ काम है कि मुझे लेना शाही का केक वेक और थोड़े बहुत पार्टी पॉपर्स वगैरह बचे हैं जो कि मुझे लेने हैं, तो मैं जा रहा हूं साकेत। मेरे कैमरे की बैटरी डाउन होने वाली है और कैमरा मेरे मनाली ट्रिप से ही भरा हुआ है ये मेमोरी कार्ड। तो बाय गाइस, घर पे मिलता हूं जल्दी। तो गाइस फाइनली मैं घर आ गया हूँ, अभी बज रहे हैं घर पे 11:10 हो रहे हैं, 40 मिनट बचे हैं शाही के बर्थडे को और मैं यहाँ पे तैयारी करने लगा हूँ। बाकी ये देखिए, ये शाही का गिफ्ट, ये केक, वो डेकोरेशन का सामान,
वो रोज पेटल्स, और बहन मेरी छत पे गई है फेरी लाइट्स लेने के लिए। अब इन्हीं थोड़े बहुत सामान से अच्छा सा डेकोरेट करने की कोशिश करता हूँ, होप करता हूँ भाई शाय को पसंद आएगा। बाकी दादी मेरी साइड में लेटी हुई हैं, सो रही हैं, दिखाता हूँ। वो देखो लेटी ये मुझे देख रही है, पता नहीं क्या ड्रामे कर रहा है। मेरे को एक ये टेडी बियर बड़ा अच्छा लगा था 150 रुपये का। बाकी इधर है ये स्पार्कल वाला, नहीं लाया घर में बेकार हो जाता इसलिए मैं ये वाला लेके आ गया। ये केक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखते हैं इसमें क्या सामान लेके आया हूँ मैं। ये देखिए ये गोल्डन है चिपकाने, मतलब जो लड़ी गोल्डन हैंगिंग जो होती है नीचे बलून्स के, ये वो है। ये पीच बलून्स मालिक में, ये आपका ये पूरा का पूरा ऐसे लगेगा। ये हैप्पी बर्थडे फुलाने वाला लाया यार, परेशान हो जाता मैं। ये हैप्पी बर्थडे इसके लिए, केक के लिए। और ये क्या है, बर्थडे गर्ल। तो अब चलते हैं जल्दी से सजाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बचा है कम और मेहनत लगने वाली है बहुत ज़्यादा। भाई फाइनली डेकोरेशन हो गया, पीछे आपको दिख सकता है झलक, ये थोड़ा छोटा था डेकोरेशन किया, टाइम बहुत कम बचा है, 2 मिनट बचा है, मैं शायद जा रहा हूँ विश करने के लिए। इसने मेरी डेकोरेशन हेल्प की है, मेरे भाई ने और मेरी दादी ने, दादी ने भी हेल्प की है भाई, दादी भी सोती उठ गई। अब चलते हैं, 2 मिनट बचे हैं ऊपर लेने के लिए। अक्षय वो ले गया बर्थडे गर्ल वाला टैग जो था पहनाने का, वो रखा शायद वहाँ कहीं रखा होगा। चलते हैं ऊपर से शाय को लेके आते हैं, देखते हैं उसको सरप्राइज पसंद आएगा नहीं आएगा। अभी जाके उसको पहले बर्थडे गर्ल का टैग पहनाते हैं। हैप्पी बर्थडे, ओए इग्नोर क्या कर रही है मुझे, देखा कौन है भाई, सरप्राइज प्लान कर रहा था। अरे डाल सकता हूँ वीडियो बेटा, मेरे लिए रख ली सुबह। ये चॉकलेट दिखाओ, मैं तो ये से केक नहीं मिलेगा, ये पहले हटा दो, ये मैंने अभी भी चिपकाया खुद ही। सारे गुब्बारे मेरे पता है अक्षय ने कितनी मेहनत से फुलाए थे। पापा पापा ये क्या लेके खड़े हो? आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस ब्लॉग को अभी यही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि कल पूरा दिन शाय ब्लॉग करेगी और शाय के चैनल पे आपको मिलेगा जो हमने पार्टी रखी है कल के लिए हमारे टेरेस पे, और काफी मतलब फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बुलाया, इन्वाइट किया है कल के लिए, 50 लोगों की गैदरिंग है। तो अगर भाई डेकोरेशन, मैंने पता कि मैं आया, मैं सुबह 4 बजे जिम उठा था, 6 बजे गया था और इतनी तेज नींद आ रही है। और शायद तो एक टाइम पे ऐसा लगा था कि मतलब कामाक्षी कोई गुस्सा जताने लगी थी कामाक्षी को कि यार कोई मेरा बर्थडे यहाँ पे सोच ही नहीं रहा, कोई डेकोरेट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, कैसे क्या करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आध घंटे के अंदर ये पूरा डेकोरेट किया मैंने, ये बोल के छुपके कि मैं बड़े आपके साथ बैठा हूँ, बड़े आपा से फोन करवा कर रुके कि नीचे बड़े आपके पास बैठा हूँ मैं, और मैंने आध घंटा मिला, और मैंने आध घंटे में रक्षा ने बिल्कुल स्पीड से डेकोरेट किया, बिल्कुल बहुत सुंदर जितना हो सका। सोच के तो बहुत कुछ था यार, मेरी पूरी की पूरी गोल्डन रिबन रह गई कि उसको लटकाने का वो टाइम ही नहीं मिला। मैंने जल्दी फॉर एवरीथिंग मयंक, मयंक ने इन 6 सालों में मेरे बर्थडे में हमेशा, मैं आपको सच बताऊं, हमेशा बढ़ के किया, कभी कम नहीं किया, हर एक बर्थडे हर साल बहुत अच्छा बनाया है जो। और मयंक ने मेरे फर्स्ट बर्थडे पे मुझे एक बात बोली थी, मुझे याद है, जब मुझे चौधरी मिला था कि ये कुछ नहीं है शाय, हम वी वर जस्ट फ्रेंड दैट टाइम, बट ही सेड कि ये कुछ नहीं है शाय, मैं हर साल तेरा बर्थडे बहुत अच्छा करूँगा, एंड अभी हम लाइफ पार्टनर्स हैं।
फर्स्ट बर्थडे पे हमने रोड के कोने पे लगा के गाड़ी केक काटा था और खाना खाया था और स्काई शॉट्स में लेके गया था और एक बहुत बड़ा सा डिग्गी भर के गुड्डा। वो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल था क्योंकि मैंने कभी ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था और आज तो उसके पीछे भी कहानी है। कभी आपको कभी अपनी पुरानी कहानी शेयर करेंगे, बहुत अमेजिंग है, बट कभी करेंगे। अभी एक दो एक डेढ़ महीना सेटल हो जाएगा और घर वगैरह शांत हो जाए, हमारे बर्थडे बूटेज निकल जाए, ठीक है गाइस, उसके बाद आप सबको स्टोरी सुनाएंगे। बहुत अभी सोचते हैं कि हमारी बैटरी जाने वाली है, कभी भी शट डाउन हो जाएगा कैमरा और हमें थोड़ा सा अपना लैपटॉप एक्सप्लोर करना है। थैंक यू मयंक, थैंक यू गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। आई नो बहुत सारे विशेज आएंगे बट अगर हम रिप्लाई ना कर पाए तो प्लीज बुरा मत मानिएगा क्योंकि फैमिली के साथ नहीं, लाइव जरूर आएंगे हम, लाइव डेफिनेटली मैं ट्राई करती हूं, मैं कल लाइव डेफिनेटली लाइव में ट्राई नहीं करते मैं से लेकर। ओके गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, बाय।